जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट, ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट ऑल, ये तीनों सेंटेंस में कैसे यूज़ होते हैं और इनकी मीनिंग क्या निकलती है। मैंने अक्सर पाया है इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है आपको और इनकी मीनिंग आप सही क्लियर नहीं समझ पाते, इसलिए मैं आज इनको डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं मोस्ट, ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट ऑल। इन तीनों को देखने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑल सेंटेंस में कैसे यूज होता है। ऑल एक ऐसा डिटर्मिनर है जिनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज़ करते हैं। हालांकि मोस्ट को भी हम यूज़ कर पाते हैं, लेकिन जब इनको हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ तो हमेशा इनको प्लूरल में यूज़ करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो इनको सिंगुलर में हम यूज़ कर ले जाते हैं। ठीक है, ऑल हम यूज करते हैं 100% मेजोरिटी को दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, अगर मैंने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। सो इफ देर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, सो ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास, मीन्स 100% अटेंडेंस वॉज देयर। लेकिन जब हम मोस्ट को हम यूज़ करेंगे तो मोस्ट का मतलब ये भी मेजॉरिटी को दिखाएगा, लेकिन मेजॉरिटी का मतलब मोर देन हाफ के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो सेंस देगा मोर देन हाफ का सेंस देगा। अगर हम मैं इसको ऐसे यूज़ करूँ, मोस्ट स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। Most students were present in the class. It means more than half of the students were present in the class. Most children like candy. What does it mean? मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रेन लाइक कैंडी, मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन। अगर 10 लड़के हैं तो 10 लड़कों में से 5 से ज़्यादा लड़के अगर कैंडी को पसंद करते हैं तो हम इस तरीके के सेंटेंसेस की फ्रेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं ऑलमोस्ट की। ऑलमोस्ट का मतलब होता है नियरली और वेरी क्लोजली, क्लोजली के सेंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एडवर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। सेंटेंस में अगर मैं कहूं, आई वॉज ऑलमोस्ट लेट फॉर द स्कूल। सो वॉज आई रियली लेट फॉर द स्कूल? नो, ऑलमोस्ट लेट मीन्स नियरली लेट। ओके, एक और सेंटेंस में यूज करते हैं, आई एम almost 26. So am I really 26? No, I'm almost 26. I'm very close to 26. ठीक है, my niece is almost walking. If I say my niece is nearly walking, so is she really walking? No, very close to walking. Maybe वो अभी चलना सीख रही है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो my niece is almost walking. ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारा almost all. जब almost all जब हम यूज़ करते हैं, so इसका मतलब नहीं ऑल से होता है और नहीं मोस्ट से होता है। ये मोस्ट से ज़्यादा और ऑल से कम के रेंज को दिखाने के लिए, मेजॉरिटी को दिखाने के लिए ऑलमोस्ट ऑल का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, ऑलमोस्ट ऑल टीचर्स वांट
देयर स्टूडेंट्स टू डू वेल. सो व्हाट डज इट मीन? ऑल द टीचर्स? नो, ऑलमोस्ट ऑल मीन्स कि 100% नहीं, 99% ऑफ द टीचर्स वॉन्ट देयर टीचर टू डू वेल. बट अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऑल द टीचर्स वॉन्ट देयर स्टूडेंट टू डू वेल, इट मीन्स 100% ऑफ द टीचर मीन्स ऑल द टीचर्स वॉन्ट देयर स्टूडेंट टू डू वेल. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मोस्ट टीचर्स वॉन्ट देयर स्टूडेंट टू डू वेल, इट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स वॉन्ट देयर टीचर्स टू डू वेल. ठीक है, तो इस तरीके से हम मोस्ट, ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट ऑल को सेंटेंस में यूज करते हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.